आवाज के लिए हमें क्या अभ्यास करना चाहिए या तो व्यायाम करना चाहिए? क्या करना चाहिए? अभ्यास क्या करना चाहिए हमारे आवाज के लिए? क्या करना चाहिए? अभ्यास उनको बोलो क्या? अभ्यास 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 जी जाके बांग्ला में बोला जाए अभ्यास अभ्यास जी तो भाव क्यों नहीं बोला आपने? क्यों मतलब असमिया में क्या कहते हैं उसको? हाँ तो अभ्यास ना, क्या अभ्यास करना चाहिए? या वो जो मैं सैम बाकी हम के ज्ञान से उतर के मैंने तय किया था वो उसकी फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन एक चीज बता दूं बहुत काम की है और बहुत सिंपल है, आपके भी बहुत काम आएगी। यू ऑलरेडी स्पीक वेरी वेल बाय द वे, मैं जो बता रहा हूँ वो आपको और ऊपर जाने के लिए। तो आई कॉल इट फाइव स्पीड रीड आई हैव डन इट फॉर इयर्स। कोई भी एक अच्छी किताब लीजिए जो आपको अच्छी लगती हो, या ना भी अच्छी लगती हो, ना अच्छी लगती हो तो और बेहतर, क्योंकि आपका काम है एज अ वॉइस ओवर, काम है कि कोई चीज इंटरेस्टिंग है या नहीं उसको इंटरेस्टिंग सुनाई देनी चाहिए। आई डोंट बिलीव इन सर्टेन थिंग्स विच आई रिकॉर्ड, मगर मैं मुझे लोग कहते हैं कि आपकी आवाज में जो डिविनिटी है, मैंने कहा ये कहां से आ गई? आई डोंट बिलीव इन दैट, ये जिस जिसकी बात थी आई डोंट बिलीव इन दैट। मैंने इस्लाम पे कितना काम किया है, जैसी जिसकी चेक लिखने की क्षमता है, मैं तो लक्ष्मी देवी में विश्वास करता हूं मैं तो मुझे उसमें विश्वास नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के रिलीजियस चैनल भी एक नहीं दो मुझसे करवाते थे, अभी नहीं करवाते। तो वो क्यों? क्योंकि आप उसमें रम जाते हैं, ठीक है। दिस फाइव स्पीड, इसलिए मैंने कहा कि अगर आपको वो इंटरेस्टिंग ना लगे जो किताब आप एक्सरसाइज के लिए चुने तो और अच्छा, मगर कई बार क्या होता है कि आप तंग आ जाते हैं उसे। अभी मेरे पास एक अवतरण नाम की पुस्तक है, मैं तंग आ गया हूँ उसे, तो हर रोज की जगह हर पांचवें छठे दिन वो दिखती है। एनीवे एक पुस्तक लीजिए, एक पन्ना, पहला पन्ना, यू रीड एट द स्पीड ऑफ थॉट, चाहे आप उसमें गलती करें, मतलब रीड कैसे, यू हैव टू रीड सो दैट यू कैन हियर, अपनी पिच में ऐसा कोई बदलने की जरूरत नहीं है, जैसे मैं बात कर रहा हूं वैसे ही, स्पीड ऑफ थॉट विदाउट केयरिंग फॉर मिस्टेक्स, गलती हो होगा। दूसरा पढ़ना, एज फास्ट As you can read, but without mistakes. जहां भूल हुई तो पिछले फुल स्टॉप पे जाइए, बहुत मुश्किल होगी, आसान नहीं है। As fast as possible, you have to be honest, अपने आप साथ एकदम प्रामाणिक रहिए, और जब तक वो सही ना हो एक पढ़ना, फिर तीसरा पढ़ना जो आपको लगे कि सही रफ्तार सही गति होनी चाहिए, उसके बाद का पन्ना एक बार पहले पढ़िए मन में, चाहे तो मार्क्स कीजिए, एंड एज इफ यू आर रिकॉर्डिंग, सो यू नो यू गिव योर बेस्ट। तो और जो आखिरी पांचवा है वो पूरा पन्ना तो नहीं कर सकते, एक परिच्छेद, एक पैरा, एक एक शब्द अलग करके, अगर ये है बोलकर दिखाया, और अगर तुम्हें उतना ही चीख कर, आपने देखा मैं शब्द अलग अलग बोल रहा हूं लेकिन एक्सप्रेशन फिर भी है, वो एक पैरा, ये है फाइव स्पीड रीड।
इससे इतना फायदा होता है और हर एक को फायदा होगा. कोई फास्ट बोलता है उसे फायदा होगा, कोई धीमे बोलता है, या कोई जो कभी रुक रुक के बोलता है, या जिसका टेम्पो कांस्टेंट नहीं है उसको भी बड़ा फायदा होता है. तो हर एक को फायदा होता है. बाकी वो होने के बाद तब तक हमारा और सेशन हुआ. तो तब आप कुछ पूछ रहे थे. सर, वॉइस ओवर इंडस्ट्री में अपना करियर कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, एक सवाल ये है. और दूसरा ये है कि जब टेल ड्रॉपिंग होती है तो टेल ड्रॉपिंग होती है कि लास्ट के जो अल्फाबेट्स हैं वो आपके तो टेल हम लोग एंड ड्रॉप कहते थे. टेल ड्रॉपिंग, तो उसको कैसे सही किया जा सकता है, उसके लिए कैसे काम किया जा सकता है? पहले का जवाब मिल जाएगा ना तो दूसरे का अपने आप मिलेगा, क्योंकि बड़ी मुश्किल से आपने एंट्री पाई है तो वो एंट्री एग्जिट में बदल जाएगी अगर टेल ड्रॉप होने शुरू हो रहे हैं तो वो अपने आप हो जाएंगे. देखिए ऐसा है, कहा जाता है कि विवाहित युगल, जो मैरिड कपड़ों शादीशुदा छोड़े, पति चाहता है, जानना चाहता है कि मैरिज एनिवर्सरी की डेट याद रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है. एक बार भूल जाइए, एक बार भूल कर देखिए. तो वो तब पता चल जाएगा. नहीं वैसे उसके लिए तो आपके लिए तो बहुत अच्छा है ना, आप इस पर सुन के देखिए ना. और शुरुआत इससे कीजिए कि जो वाक्य का एंड हो ना उसको थोड़ा ऊपर छोड़िए कि मुझे वहाँ जाना था लेकिन मैं जा ही नहीं पाया. तो आप कहिए जा ही नहीं पाया. फिर तो हमने तो आदत हो जाती है कि पापा बाबा माँ में मेरा चेहरा ऐसे पड़ता है और लोग कहते हैं कि ब्लोज कैसे नहीं आते, पॉप साउंड्स कैसे नहीं आते. मैं वो ये भी नहीं रख पा हूँ, आगे जो वो फिल्टर होता है वो भी नहीं रखता हूँ, तो कैसे होता है? तो फिर आदत हो जाती है. लेकिन जो टेल ड्रॉपिंग है उसके लिए तो सबसे अच्छा कारगर यही मोबाइल है, उसे करके सुनिए. और एंट्री कैसे, एंट्री अभी तो गूगल बाबा है. एक्चुअली यू से ऑडियो डबिंग जॉब्स इन मुंबई और जयपुर, वेरेवर यू आर, तो आपको बहुत सारे प्रोड्यूसर्स निकलेंगे. आप पहले कुछ रिकॉर्ड कर लीजिए अच्छा. और आमतौर पर ये होता है डबिंग के लिए, वॉइस ओवर के लिए सच कहूँ कोई घास नहीं डालता. मेरे पास आते हैं, मेरे पास उसके लिए एक ईमेल आईडी बना हुआ है demosforhb@gmail, और हम देखते रहते हैं गाय गाय तो ये अच्छा हो, हमें ज़रूरत होती है इसलिए. मगर नॉर्मली लोग वो नहीं करते क्योंकि वो ट्रेन करना समझाना बहुत मुश्किल होता है. मगर डबिंग के लिए इतनी ज़रूरत होती, और दो तीन जगह कुछ कोर्स हैं ट्रेनिंग देते हैं. एक सुराना करके अभी करते हैं या नहीं पता नहीं, सांता क्रूज में है, वहाँ अच्छा होता है और आपको वो सीधे काम पे ही लगा देते हैं. तो वो एक शुरुआत बहुत अच्छी होती है, डबिंग इज ए गुड. मगर देखिए दो चीज़ें हैं, इसमें समय लग सकता है, इसलिए बेहतर होता है कि आप ये पार्ट टाइम के तौर पे शुरू करें. लेकिन दूसरी बात यह है कि इसमें समय बहुत लगता है. कैसे, ये इसकी रिकॉर्डिंग में भी समय, वेटिंग पीरियड बहुत होता है. मेरा नहीं होता, मेरी तो मेरी बात ही अलग है क्योंकि मैं वॉइस ओवर करता हूँ एक तो, और दूसरा ये कि मैं जब चाहता हूँ
तब क्लाइंट करता है। अभी मुझे इतने साल हो गए इसलिए वो बात मानते हैं, अच्छे लोग हैं, मगर आमतौर पे बहुत बहुत वेटिंग होती है। आपको स्टूडियो जाना पड़ता है, स्टूडियो जाए पता चलता है कि अरे 4 बजे कहाँ था, 6:30 बजे तक तो स्टूडियो ही नहीं है, उसके बाद कुछ और नहीं है इधर। तो मेरे साथ वो होता नहीं है, एक तो मेरा अपना स्टूडियो है, जब कभी जाना पड़ता है अगर वो टाइम पे ना हो तो फिर चलेगा। एक बार तो इतना बुरा हुआ था मैं श्राप दे के आया क्योंकि बिहेवियर उसकी अच्छी नहीं थी। तो मैंने कहा ऐसा कहीं ना हो कि आपने आपने इस ब्राह्मण को इतना नाराज किया कि उसके श्राप से आपकी फिल्म ना आए और वो स्टार कास्ट वाली फिल्म ऐसी बैठ गई हमारा उसके साथ संबंध ही टूट गया। सच में ऐसा हुआ था। तो मगर मुझे आप सोचिए, सारा डिस्टर्ब करके मैं आया और इतना समय बर्बाद किया, बिहेव हुआ। मैंने कहा ठीक है जाप हो ऐसा कह गया, नहीं 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 बैठिए, फिर मैं बैठा काम किया, फिर भी उनकी मिसबिहेवियर चालू। ठीक है, तो जब ये पहले तो दोनों के जवाब मिल गए। और कुछ भाई? सर एक रिक्वेस्ट है, एक बार नहीं वो नहीं होगा क्योंकि ये वातावरण नहीं है, ये वातावरण नहीं है ना वो समय का। तो सर आप जब भी अपना कोई नरेशन लिखते हो तो कोई ऐसी चीज जिसका आप ज्यादा ध्यान रखते हो? क्या आवाज है से सर आप जब अपना नरेशन लिखते हो तो लिखते हो? यही तो मजा है। अमेरिका में कहते हैं दिस इज द बेस्ट जॉब इन द वर्ल्ड, क्यों मालूम है? सेड एटलीस्ट 3 पीपल बर्न मिडनाइट ऑयल, यानी कि रात रात जाग के दे फाइंड एज अ स्क्रिप्ट, दे गो मतलब करबद्ध होके अपने क्लाइंट के पास जाते हैं, वो उसमें गलतियां निकालता है, फिर वो सेकंड ड्राफ्ट बनता है, फिर फाइनल होता है, फिर स्टूडियो लिया जाता है, फिर म्यूजिक लिया जाता है, वीडियो बनाया जाता है, इतना सब करने के बाद स्टूडियो में जाते हैं, तब ये जनाब वॉइस ओवर आर्टिस्ट आते हैं। हाँ कहाँ है स्क्रिप्ट? ये एवरीथिंग एल्स इन ऑर्डर, यानी चेक तैयार है ना, और वो 3-4 टेक देकर ओके ऑलराइट थैंक यू करके चला जाता है। इसलिए इट्स कॉल्ड द बेस्ट जॉब इन द वर्ल्ड वंस यू मेक इट। नहीं मैं नहीं लिखता, मगर मैं लिखता हूँ तो मैं अपना समय लिखता हूँ। सिंस आई एम राइटर डिफरेंट काइंड, मतलब आपको लगा वो महाभारत का मैंने लिखा था? अरे हाँ तो कहते चलिए बहुत बहुत अच्छा लगा आपके साथ। मैंने कहा ना, मैंने इनसे कहा था कि आप मुझे बुला रहे हैं कुछ सिखाने के लिए, बात गलत है, मुझे भी बहुत सीखने मिलेगा, जो कि मिला। इट वॉज वंडरफुल इंटरैक्टिंग विद यू। नमस्कार, जय हिंद।